नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले महीने हमने आपसे शेयर किया था एक वीडियो जिसमें हमने मालदीव्स के जो नए प्रेसिडेंट हैं उसके बारे में आपको बताया था। साथ में ये भी जानकारी दी थी कि कैसे उनका जो चुनाव प्रचार का मुख्य सूत्र था वो था इंडिया आउट। कई मीडिया हाउसेज ने उनको प्रो चाइना भी डिक्लेयर कर दिया था और उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जो खास जो एक नारा दिया था, खास जो एक बात कही थी वो ये थी कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो सबसे पहला काम ये करेंगे कि वो भारत के जितने भी मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको मालदीव से वापस भेज देंगे। इस इन्फॉर्मेशन को लेके हमने पिछले महीने भी आपके साथ वीडियो शेयर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें और जानिए कि क्यों भारत के 75 मिलिट्री पर्सनल्स हाल में मालदीव में हैं। 75 मिलिट्री पर्सनल्स वहाँ पर बेस नहीं बना सकते, उसका भी हमने आपको क्लैरिफिकेशन दिया था। इसी बात पे कायम रहते हुए मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने, जो कि हाल के मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, उसने किरण रिजिजू को फॉर्मली यानी कि ऑफिशियली ये कहा है कि भारत की जो भी आर्मी प्रेजेंस है मालदीव्स में उसको वापस बुला लिया जाए। साथ में उसने ये भी कहा कि वे भारत के साथ अपने रिश्ते खराब करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू के कुछ चाइनीज कनेक्शंस भी निकल आए हैं। इस खबर की 100% पुष्टि हम हाल में नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इसको आने वाले समय में जैसे ही क्लैरिफिकेशन आता है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। पिछले महीने जब मोहम्मद मुइज़्ज़ू इलेक्ट हो गए थे तो उसके बाद हमारे जो MEA के स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने एक डेटा रिलीज करते हुए कहा था कि भारत ने अभी तक मालदीव्स के साथ 500 मेडिकल इवैक्यूएशन एग्जीक्यूट किए थे, जिसमें 523 मालदीवियंस की जान बचाई गई थी। इनमें से 131 इस साल इवैक्यूएट करवाए गए थे, 140 पिछले साल और 2021 में 109 लोगों की जान बचाई गई थी। 450 मल्टीफेसेटेड मिशंस हुए थे मालदीव्स की जो दरियाई सीमाएं हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, जिसमें से 122 लास्ट ईयर यानी कि 2022 में हुए थे, 152 2021 में और 124 मिशंस 2020 में एग्जीक्यूट किए गए थे। इसके उपरांत भारत मालदीव्स को हर एक डिजास्टर के टाइम पे हेल्प करने वाला सबसे पहला देश है, चाहे वो कुदरती आपदा हो या फिर कोविड जैसी परिस्थितियां। तो ये इनडायरेक्टली MEA ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ने भी ये बात स्पष्ट कर दी थी मालदीव्स को कि अगर आप किसी और कंट्री की साइड लेते हैं तो भारत की ओर से ये जो फैसिलिटीज और सपोर्ट आपको विदाउट मच ऑफ एक्सपेक्टेशन मिल रहा था वो हो सकता है कि आने वाले समय में कम हो जाए। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने जिस तरह की बात करी है उससे ये मालूम पड़ता है कि वो मंकी बैलेंसिंग करने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो मंकी बैलेंसिंग कितनी हद तक कर पाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके उपरांत मालदीव्स टूरिज्म का सबसे बड़ा हिस्सा भारतीयों का है। 2022 में तकरीबन 2,40,000 लोग भारत से मालदीव्स घूमने के लिए गए थे। आने वाले समय में हो सकता है कि अगर परिस्थितियां इसी तरह की इनफेवरेबल हों तो भारत का शेयर मालदीव्स टूरिज्म में कम हो जाए, और अगर ये होता है तो मालदीव्स की इकोनॉमी को उससे काफ़ी ही बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री मालदीव्स की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज हैं और इंडिया टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर। बाकी आप लोग समझदार हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। जय हिंद।